हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक ईजी वे में बहुत ही टेस्टी चिकन करी बनाया है, बहुत टेस्टी भी बना है। अगर आपको रेसिपी जानना है देन वीडियो को आगे देखते रहिए। तो मैंने यहाँ लिया है 1 kg चिकन। अभी चिकन को हम लोग मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने यूज़ किया है सॉल्ट, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालना। फिर अभी मैं डाल रही हूँ टर्मेरिक पाउडर, फिर मैं डाल रही हूँ हाफ लेमन का जूस, फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 tablespoon कॉर्ड। कॉर्ड डालने के बाद हम सब कुछ अच्छे से चिकन के साथ मिला लेंगे। फिर अभी मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल मैरिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसे कभी मत भूलना। फिर इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, फिर कवर करके कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। फिर ऑयल गर्म होने के बाद मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में है बे लीव्स, सिनेमन, कैडमम एंड क्लोव्स। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। हमें तब तक प्याज को ऐसे भूनते रहना है जब तक प्याज ऐसे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अभी मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। जब आप हॉट ऑयल के साथ रेड चिली पाउडर यूज़ करते हो तो कलर और ज़्यादा अच्छा आता है। फिर अभी मैं डाल रही हूँ टर्मेरिक पाउडर। तो अभी मैं डाल रही हूँ ये पेस्ट, इसमें है टमेटो, गार्लिक एंड जिंजर। इस पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे एंड तब तक भूनते रहेंगे जब तक इस मसाले से ऑयल अलग ना हो जाए। किसी भी करी को टेस्टी बनाने के लिए मसाले को अच्छे से भुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इसमें से जो मसाले का कच्चा टेस्ट आता है वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम भुनने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, करियंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर। फिर सारे मसाले डालने के बाद अभी अच्छे से इसे मिला लेंगे एंड इसे भुनते रहेंगे। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला ना जले। फिर आप देख सकते हो हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम लोग डालेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन। तो अभी आप देख सकते हो हमारा चिकन मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिल चुका है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालना, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पे भी सॉल्ट का यूज़ किया था। तो अभी हम जितना चाहिए उतना ही डालेंगे। तो अभी हम गैस को सिम कर देंगे एंड धीमी आंच पे चिकन को पकाते रहेंगे। तो अभी हमारा 10 मिनट हो चुका है। अभी हम लोग चिकन को 4-5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। कवर करके इसे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन और जल्दी पक जाए। तो अभी जो आप पानी देख रहे हो ये मैंने नहीं दिया है, वो चिकन से ही ऑटोमेटिकली निकला है। तो अभी हम लोग ऐसे ही भूनते रहेंगे जब तक ये पानी चिकन के साथ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो हमारा चिकन कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अभी मैं डाल रही हूँ पानी। पानी डालने के बाद चिकन को अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो
तो अभी 10 मिनट हो चुका है एंड आप देख सकते हो हमारा चिकन कितना अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसे चिकन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फिर मिलाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा करियंडर लीव्स डालेंगे, फिर इसे अच्छे से कवर करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है एंड इट्स लुक टेम्प्टिंग। बहुत ज़्यादा भूख लगा है ना, हमें भी बहुत ज़्यादा भूख है। तो अभी चलिए प्लेटिंग शुरू करते हैं। आज का रेसिपी थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने चिकन को मैरिनेट किया था विद कॉर्ड। आप चाहे तो चिकन में कॉर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, पर कॉर्ड यूज़ करने से चिकन का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एंड इसका टेस्ट मुझे कमेंट में बताइए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, आप भी जाइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।